अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू निशाज मॉम्स व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड बिजी बिजी होंगे आई नो। तो बस जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपसे कुछ डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ एंड थिंग्स शेयर करती रहती हूँ। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ कि डॉटर्स के लिए, बच्चों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, बेटियों की कैसे हम गिफ्ट वगैरह पैक कर सकते हैं, ईद गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट, कुछ भी। तो ये 2 इन 1 है और मैं इंशाल्लाह आज गिफ्ट पैक करने जा रही हूँ ईद एंड बर्थडे का, क्योंकि उसकी ईद भी है और 24 को उसकी बर्थडे है, तो मैं इसको गिफ्ट इकट्ठा ही देती हूँ। तो इस तरह से बस कुछ बेटर फील करवाने के लिए, कुछ अच्छा स्पेशल फील करवाने के लिए कुछ डिफरेंट एंड स्पेशल सा करना भी पड़ता है। तो इसके लिए जी मैं लेके आई थी बीएम से, मुझे 2 या 3 पाउंड का वाज मिल गया था एंड इसके अंदर पंख में ब्लैक डाल रही हूँ, जो कि मैंने पहले से ऑलरेडी सेव किए हुए थे, पहले यूज़ किए हुए सेव किए हुए थे। और इसके साथ ये 3 LED लाइट मैंने इसके अंदर ऐड करूँगी, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है एंड ये अमेजोन पे अवेलेबल होती है बहुत ही ईजीली। ये तो वैसे मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो मेरी बेटी को जो चीज़ चाहिए, जो ज़रूरत की है, नीडी थिंग है, वो मैं उसके लिए बाय करूँ, उसके लिए दूँ। तो उसके चाहिए था स्काफ कब से, तो उसको स्काफ मैं दूँगी और किस तरह से इसको दूँगी और प्यारा सा नाइस सा बना के। आप बहुत ही छोटी छोटी थिंग्स को बहुत ही स्पेशल तरीके से बना सकते हैं, आइडियाज़ के साथ उसको बना के प्रजेंट कर सकते हैं, तो बहुत ईजी रहता है। तो यहाँ पर मेरे पास, मैं आपको बताऊँ, ये मेरे पास बचपन की उसकी स्कर्ट पड़ी थी, मुझे ये बहुत पसंद थी और ये मैंने रखी हुई थी स्पार्कली सी, तो इसको मैंने रखा हुआ था। तो इसको मैंने कटिंग करके इसके अंदर इस तरह से इसको नॉट लगा के तो इसको रेडी कर लूँगी। अगर आपके पास कोई रिबन किसी भी कलर में अवेलेबल है तो आप उसके साथ भी नॉट लगा के आप उसको नाइसा बना सकते हैं। इसको चाहिए थे इयररिंग्स नाइस से, बहुत पसंद थे इसको दिलो जान से। तो मैंने क्या किया, एक स्मॉल छोटी सी बॉक्स ली है जो कि बहुत प्यारी है, लेकिन मैंने सोचा इसके अंदर रखने की बजाय थोड़ी सी स्पेस कम है तो उसको भी यूज़ करने की बजाय, तो मैंने क्या किया कि स्कॉच टेप ली है, उसको उसके अंदर लगा के फिक्स कर देना है। मैंने इसके लिए स्मॉल स्मॉल सी रिंग्स बॉक्स बाय किया है, जो कि बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी रिंग्स हैं। इस तरह की एज में गर्ल्स को इस तरह की थोड़ी थोड़ी सी थिंग्स पसंद आती हैं, तो मैंने वही बाय किया है जो मेरी बेटी को पसंद है। तो आप बहुत ही इजीली फ्रेंड्स के लिए, गर्ल बेटी के फ्रेंड्स के लिए, अपनी बेटी के लिए, किसी कज़न के लिए बहुत इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा उसके लिए मेकअप पैलेट भी लिया है एंड यहाँ पे उसके कुछ फ़ोटोज़ थी, मुझे आइडिया आया तो मैंने क्या किया उसके फ़ोटोज़ निकाल के इस वॉच के अंदर इस तरह से डाल दूँगी, तो ये भी बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अट्रैक्टिव भी लगेगा।
आपने देखा कि मैंने छोटा सा टाइनी सा उसके लिए हैंड बैग भी लिया है जो कि वो वेयर करेगी ईद पे और बहुत ही अच्छा लगेगा उसको। और यहाँ पे कुछ आर्ट कलर हैं जो उसकी स्टडी थिंग है, तो मुझे ये भी बहुत अच्छी लगी, कूल से नाइस से कलरफुल। जी कुछ बैंगल्स हैं नाइस से, इसके लिए स्पेस नहीं थी तो मैंने क्या किया कि स्क्वायर टेप के साथ बैग के ऊपर स्टिक कर दिया है। जी तो यहाँ पर इसके पापा ने बहुत ही प्यारी सी नाइस सी स्टोरी बुक ली है जो कि है ईद की, आ ईद डे एंड द ईद स्टोरी एंड द लॉस्ट रिंग, मीन ईद पे लॉस्ट हो जाती है रिंग तो उसके बारे में है स्टोरी, तो वो मैंने कहा इसको भी अंदर ऐड कर देती हूँ। तो ये चेक करें, ये बहुत ही प्यारा नाइस सा ईद गिफ्ट रेडी हो गया है एंड डिफरेंट वे से, तो बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे एक आइडिया आ रहा है, कुछ आइडिया सूझ रहा है, तो वो भी मैं कर लेती हूँ, तो फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। कुछ कमी है इसमें, कुछ कमी है तो वो कर लूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फाइनली मेरा टच था, हैप्पी ईद लिखा मैंने ऊपर एंड स्माइली फेस बनाया, और अब ये एकदम रेडी स्टडी हो गया है ईद एंड बर्थडे प्रेजेंट टू इन वन, तो बहुत ही बेस्ट लग रहा है। और फोटोज़ के साथ तो एक इसके अंदर बहुत ही एक जान आ गई है। तो जी तो कैसे लगे आपको आइडियाज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग भी ऐसे ही बहुत ही इजीली आइडियाज़ के साथ गिफ्ट प्रेजेंट करके दे सकते हैं। जी तो इसके साथ ही इफ़ यू लाइक माई प्रेजेंट एंड बर्थडे आइडियाज़ वीडियो, तो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही इजाज़त दें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।